ठीक है जी उनका नाम YouTube चैनल गाइस। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही जबरदस्त एक न्यू वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को लेकर गाइस। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को फिल्मोरा का कुछ टॉप फीचर्स के बारे में बताने वाला होगा। ये फिल्म फुल रिव्यू नहीं होने वाली, बट कुछ टॉप फीचर्स के बारे में बताने वाला होगा जिसको आप यूज करके कुछ इस टाइप का, जैसे कि देख सकते हैं मैंने एक वीडियो नॉर्मल से कुछ ही फीचर्स को यूज करके इस टाइप का वीडियो को क्रिएट किया गया। इससे भी बेटर और आज अच्छे अच्छे वीडियो आप क्रिएट कर सकते हैं फिल्मोरा से गाइज, वो भी फोन का एप्लीकेशन फिल्मोरा से गाइज। तो आज के वीडियो को एंड तक देखना गाइज अगर इंटरेस्टेड है और फिल्मोरा से आपको एडिट करना सीखना है, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पर जब से लाइक करना चाहिए, फिर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए गाइज वीडियो करते हैं। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि आज मैं बताने वाला फिल्मोरा के बारे में गाइस। सो गाइस यहाँ पर फिल्मोरा वैसे तो पीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एप्लीकेशन है गाइस, और यहाँ पर मोबाइल एंड्रॉयड के लिए बात करें तो यहाँ पर बहुत टाइम पहले ही ये एप्लीकेशन आया हुआ था। उस टाइम उतना अपडेट नहीं था, उस टाइम उतना लेटेस्ट फीचर्स उसमें नहीं था, इसी कारण से ये एप्लीकेशन उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो सका था। अभी क्या है कि अभी इसमें लेटेस्ट बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं गाइस, बहुत सारे टेम्पलेट हैं, बहुत सारे फीचर्स ऐड हुए हैं गाइस। तो ये बहुत ही ज़्यादा अभी सुर्खियों में या तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है गाइस। सो आज मैं बताने वाला कुछ टॉप फीचर्स गाइस। वैसे तो वीडियो अगर फुल रिव्यू चाहिए तो कमेंट करना, वीडियो के नीचे मैं आप लोगों के लिए फुल रिव्यू लेके आऊँगा। हालांकि इसमें मैं टॉप फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप लोग देख के बहुत सारी चीज़ों को नए नए सीखने वाला हूँ गाइस। तो सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही गाइस टेम्पलेट्स के रूप में कुछ बहुत सारे मिलने देखने को मिलेगा गाइस, जो कि देख सकते हैं गाइस। यहाँ पर आपको जो भी फीचर्स है लेटेस्ट फीचर्स उससे रिलेटेड बहुत सारे इसमें आपको टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं गाइस, ठीक है। जिसमें कि आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट है गाइस, उसके साथ ही गाइस आपको कलर ग्रेडिंग वाली इफेक्ट है, सुपर पावर का भी इफेक्ट वाली इफेक्ट है, और साथ ही साथ गाइस इसमें आपको देखने को मिल जाता है गाइस इंट्रो आउट्रो, ठीक है। और उसी तरह से गाइस यहाँ पर म्यूजिक भी अवेलेबल है। तो चलिए मैं आपको एक वीडियो एडिट करके दिखाता हूँ गाइस। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक प्लस वाला आइकन को क्लिक करके एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एक नहीं दो वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, देन आपको दिखाता हूँ। सो पहले से मैंने हालांकि एक वीडियो सेलेक्ट करके रखा था, ये वाली वीडियो पर मैं सबसे पहले एडिट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले स्लो मोशन की बात करते हैं, जिसमें आपको स्लो मोशन किस हिसाब से मिलता है गाइस। यहाँ पर अगर स्लो मोशन वाली बात करोगे तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, तो यहाँ पर जो यहाँ टूल बार है इसका इतना ही छोटा छोटा है कि आपको थोड़ा यूनिक लगेगा, अलग लगेगा सबसे देखने में। यहाँ पर अगर बात करें कर्व लाइन की और इसमें स्लो मोशन की, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से स्लो मोशन कार वर्किंग करती है गाइस, देख सकते हो। तो ये स्लो मोशन का इस टाइप से यहाँ स्लो मोशन दिया गया है गाइस। देन यहाँ थोड़ा सा स्लाइड करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाती है गाइस लेटेस्ट वर्जन में ये नॉइज रिड्यूज, ठीक है। अगर आप मान लो YouTube वीडियो यहाँ पर आपको एडिट करना है, या तो फिर ब्लॉगिंग वीडियो एडिट करना है, या तो बाहर कहीं ऐसे वीडियो एडिट करना है जिसमें आपका बहुत सारा नॉइज है, तो आप वन क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो वीडियो के अंदर से नॉइज है वो क्लियर हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक है। और उसके बाद गाइस जब बात करें गाइस यहाँ पर स्मार्ट कट आउट का, तो इसमें एक नया लेटेस्ट फीचर्स ऐड हुआ है गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर नया स्मार्ट जो कट आउट में इसमें एक फीचर अलग दिया गया है गाइस, बैकग्राउंड एक रिमूव बैकग्राउंड तो आपको देखने को मिलेगा हर एप्लीकेशन में, एक क्रोमा की, ये दो चीज़ तो आप लोगों को देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आप लोगों को मिलता है एक रिप्लेस स्काई। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस बहुत सारे स्काई अवेलेबल है गाइस, मतलब कि आप वीडियो के अंदर स्काई वाली पार्ट को अलग से इसका AI फीचर से मतलब कि चेंज कर सकते हो गाइस, रिमूव कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा सही है गाइस इस एप्लीकेशन के अंदर। और एक चीज़ है, जो प्लस वाला आइकन को क्लिक करोगे तो आप अपने कस्टम मतलब अपने गैलरी से उठा के कोई भी स्काई को लगा सकते हो। तो यहाँ पर ऑलरेडी 5-6-10 यहाँ पर जो पहले से ही प्रीलोडेड है गाइस, और कुछ आप यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर जाके गैलरी से भी उठा सकते हो। तो ये चीज़ एक लेटेस्ट आया हुआ है गाइस इस एप्लीकेशन के अंदर। और यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के बाद ये वाली गाइस जो रिप्लेस स्काई का ऑप्शन इनेबल हो जाती है गाइस, और आप आसानी से फुल्ली HD के साथ यहाँ पर अपना जो वीडियो का बैकग्राउंड को वीडियो का जो बैकग्राउंड की स्काई वाली पार्ट को सिर्फ रिमूव कर सकते हो गाइस। सबसे बड़ी बात ये है गाइस। और उसी तरह से गाइस थोड़ा सा स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पर एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अगर थोड़ा स्लाइड करोगे तो यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ से बैक आओगे तो थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिलेगा इन प्रोग्रेस। तो ये इन प्रोग्रेस वाली पार्ट क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इन प्रोग्रेस वाली पार्ट में आओगे तो एक डिस्क्रिप्शन ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस। सो ये वाली पार्ट क्या है कि कभी कभी आपने बहुत सारे ऐसे एडिट वीडियो मतलब यूट्यूब वीडियो में देखे होंगे गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये वाले पार्ट पर।
ठीक है। ये वाले वीडियो जैसे देख लो गाइस, ये मैंने क्या किया कि मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया है गाइस, ठीक है। उसमें मैंने एक वीडियो में मल्टीपल टॉपिक के बारे में बात किया, ठीक है, या तो कोई ऐसे दो तीन टॉपिक के बारे में बात किया। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मुझे एक मिनट का वीडियो में मैंने 20-20 सेकंड लिया है हर एक टॉपिक पे आपको बात करने के लिए मैंने, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो गया कि आप जैसे कि मैं इसको बीच में स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये 3 सेकंड फिर 3 सेकंड ऐसे करके मैंने अलग अलग पार्ट में अलग अलग टॉपिक पर बात किया है। तो यहाँ पर ये क्या काम करती है, जैसे कि ये थोड़ा सा स्लाइड करोगे, इन प्रोग्रेस वाले ऑप्शन पर जाओगे, तो यहाँ पर जैसे कि पहला नंबर पर मैंने रख लिया कि हाउ टू एडिट YouTube वीडियो, ठीक है, YouTube वीडियो ऐसे मैंने लगा लिया और ये हो गया मेरा पहला नंबर, ठीक है। और इसमें स्टाइलिश की बात करें तो बहुत सारे स्टाइलिश है, हालांकि मैं एक बार थोड़ा सा रिव्यू दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं जहाँ तक मेरा वीडियो है गाइस लेंथ, उतना दूर तक ये वाली जो रनिंग करेंगे, मतलब मैं जहाँ तक बोल रहा हूँ देख सकते हो। सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा गाइस, और ये बड़े बड़े जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें अवेलेबल रहता है, बट इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें अलग अलग आपको लोगोज देखने को मिलेगा और आप कस्टम लोगोज भी यूज कर सकते हो। मैंने जैसे कि यहाँ पर अपना फोटो लगा रखा, और इसके भी आप ये लाइनिंग का जो कलर को चेंज कर सकते हो गाइस। और ये एक बहुत ही सही ढंग है, सही चीज़ है कि आप इसके अकॉर्डिंग, मतलब कि बहुत सारे टॉपिक वाली वीडियो को एडिट करना चाहते हो तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सही लगेगा, एक अच्छे एडिटिंग और क्या बोलते हैं हाई लेवल वाली एडिटिंग कर सकते हो इसके अंदर से। तो ये चीज़ आप लोगों को कितना अच्छा लगा जरूर से कमेंट करके बताना गाइस। साथ ही साथ इसमें बात करें अगर ट्रांजेक्शन इफेक्ट की, तो ट्रांजेक्शन इफेक्ट में आपको ढेरों सारे ट्रांजेक्शन इफेक्ट देखने को मिल जाता है गाइस, देख सकते हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट ट्रांजेक्शन इफेक्ट देखने को मिल जाता है। और इसी के अंदर बस मतलब मल्टीपल, यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलता है इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी बहुत ही प्लस पॉइंट है, कि आपको जो भी फीचर है गाइस, जो भी टूल्स देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कि आप थक जाओगे बट आपका ख़त्म नहीं होने वाला, इतना टूल्स दिए गए हैं गाइस, ठीक है। उसी तरह से आपको अगर बात करें इफेक्ट का, तो इफेक्ट में भी आपको बहुत सारे ढेरों सारे इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो। मैंने एक वीडियो स्टार्टिंग में दिखाया था गाइज, तो वो वीडियो मैंने यहीं से एडिट करा था गाइज। सो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से इफेक्ट देखने को मिल जाता है गाइज। सो यहाँ पर देख सकते हो आपको ये वाली एक लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन ढंग से। अगर आप कोई एडिटिंग करते हैं वीडियो रील्स के लिए, डांसिंग वीडियो, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे गाइज, अगर स्टेटस वीडियो बनाते तो फिर भी। सो इस टाइप से एक लाइटिंग इफेक्ट भी आपका वीडियो के अंदर रनिंग होने देखने को मिलेगा। और उसी तरह से गाइज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देख सकते हो गाइज, सिंगल क्लिक के अंदर आप आसानी तरीके से इस टाइप का वीडियो एडिट कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दूसरा वीडियो को लेकर दिखाता हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा आप अलग लग रहा होगा दिखने में। जैसे कि मैंने ये वीडियो को लिया, ये वीडियो मैंने हटा लेता हूँ, ठीक है, ये वीडियो को मैंने लिया और इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस को थोड़ा सा लो कर लेता हूँ, ये ओके। अब मैं यहाँ पर जो इफ़ेक्ट्स को है वो लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रहा इफ़ेक्ट्स गाइज, और यहाँ पर जो मैं इफ़ेक्ट लगाने वाला था, बताने वाला था, वो इफ़ेक्ट्स मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो गाइज। उसी तरह से गाइज ये कुछ इस टाइप का ग्लोइंग हार्ट वाली इफ़ेक्ट है, और ऐसे ही करके गाइज एक आपको इस टाइप का ग्लोइंग रिंग वाला इफ़ेक्ट मिल जाता है देखने का। सो ऐसे ही करके आपको यहाँ पर बहुत सारे गाइज बहुत मात्रा में बहुत ही ज़्यादा में आपको मिल जाता है इफेक्ट गाइज। तो ये सारे इफेक्ट तो नॉर्मल है गाइज, क्या है कि आप लोग इसको बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज किए होंगे गाइज, तो ये सारी चीज़ आप लोगों को आई होप पता होगा गाइज। तो इसको जरूर से ट्राई करना इस एप्लीकेशन का, जो लिंक है गाइज लेटेस्ट विदाउट वाटरमार्क वाली, वो मेरे टेलीग्राम में या तो इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे, आपको जाकर डाउनलोड कर लेना। बस आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी गाइज। अगर वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो नेक्स्ट इसका पार्ट में लाऊंगा, जिसमें और भी लेटेस्ट जो फीचर्स है गाइज, जो बहुत कुछ ऐसे फीचर्स जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सका, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय।